अब खाने पीने वाले हर दुकानदार को, सामान जो बेचता है दुकानदार, और उसके मैनेजर को अपना नाम दुकान पर लिखना होगा, मोटे बोल्ड अक्षरों में लिखना होगा। रेस्टोरेंट में सीसीटीवी फुटेज उनको लगाने जरूरी है। और सबसे सख्त हिदायत ये कि किसी भी तरह के खाने पीने की चीजों की क्वालिटी में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए हैं उसके मुताबिक क्या क्या है, आप थोड़ा जानकारी हासिल कर लीजिए। जूस, दाल, रोटी जैसे खान पान की जितनी भी चीजें हैं उसमें गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ढाबों में, रेस्टोरेंट्स और खान पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है। खान पान के केंद्रों पर संचालक का नाम डिस्प्ले होना जरूरी है। शेफ और वेटर को मास्क लगाना होगा, ग्लव्स पहनने होंगे। होटल और रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना अब अनिवार्य हो गया है, नेसेसरी, कंपलसरी। मिलावट पर संचालक पर, अब अगर मिलावट हुई और यह पाया गया तो संचालक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आदेश जारी होते ही सियासत तो होनी थी और सियासत शुरू हो भी गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस योगी आदित्यनाथ के फैसले को भटकाने की कोशिश बता रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भ्रम फैलाने की असल कोशिश सरकार कर रही है या फिर विपक्षी पार्टियां, क्योंकि मेरे पास जो पन्ने हैं वो कोई और कहानी बयां करते हैं। ये इस वक्त मेरे पास भारत सरकार का राजपत्र है, ठीक है, 2011 का। और आपको अगर तारीख यहाँ पे एकदम पता करनी है तो ये रहा, ठीक है, डेटेड 1 अगस्त 2011। इस तस्वीर को आप देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है, नया आदेश नहीं है जो योगी आदित्यनाथ आज सामने ला रहे हैं जिस पर सियासत हो रही है। ये पन्ने सब कुछ बयां कर रहे हैं। 2011 यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार, उसी दौरान एक गैजेट नोटिफिकेशन जो इस वक्त मेरे पास है, 11 अगस्त 2011 जारी हुआ था। और इस गैजेट नोटिफिकेशन में उसी आदेश की वानगी है जिसे आज योगी आदित्यनाथ ने ग्राउंड पर सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। और मैं बता देती हूं कि वो कहां पर लिखा है, फिर कह रही हूं 11 अगस्त 2011। और ये रहा पांचवा बिंदु चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 कौन सा है? लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया है, द रजिस्टरिंग अथॉरिटी शैल इशू अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड विच शैल बी डिस्प्लेड एट अ प्रोमिनेंट प्लेस एट ऑल टाइम्स विद इन द प्रमाइसेस और व्हीकल और कार्ड और एनी अदर प्लेस वेयर द पर्सन कैरीज ऑन सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ फूड इन केस ऑफ पेटी फूड बिजनेस। इसका लबोलुबाब ये है कि उसी को अथॉरिटी, ये जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है वो उसी को लाइसेंस जारी करेगी और एक आइडेंटिटी कार्ड बकायदा जारी किया जाएगा, फोटो वाला, जिसे आपको हर वक्त, ऑल द टाइम, जो इलाका है जहाँ पर वो सामान बेच रहा है या जो ठेला है जिस पर वो सामान बेच रहा है, वहाँ पर उस फोटो आइडेंटिटी को नाम के सहित चस्पा करना होगा। और ये नाम और आइडेंटिटी ऐसा होना चाहिए जो विजिबल हो, जो बोल्ड हो। इस गैजेट नोटिफिकेशन को 2011 में लाया गया है ना, केंद्र सरकार ने इसे 2006 में कानून बनाया था और 2011 में उसके नियम बना दिए गए थे। इसके पेज नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के 5वें पॉइंट में जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है कि संचालक को अपनी फर्म का नाम लिखना होगा, अपना नाम लिखना होगा, लाइसेंस नंबर दुकान पर लिखकर बताना होगा और ऐसी जगह रखना होगा जहां से ग्राहक उसे आसानी से देख सके। यानी कानून पहले ही बन गया, इसे लागू करवाने की जरूरत अब क्यों महसूस हो रही है? अब इसलिए महसूस हो रही है कि सोशल मीडिया पर आए दिन आप ऐसी ऐसी तस्वीरें देखते होंगे कि आप
आपका जी घबराने लगता होगा, और वो कुछ तस्वीरें मेरे साथ चल भी रही हैं, बिल्कुल बगल ही में बहुत इस पर हंगामा हुआ। तो इसको खत्म कैसे किया जाए, इसे बंद कैसे किया जाए, शक वाला माहौल भी और जो आपको परोसा जा रहा है वो भी, ये दोनों चीजें गलत है ना। तो इन दोनों को खत्म करने का तरीका यही है कि जो कानून है उस कानून को सख्ती से लागू किया जाए, लेकिन सियासत अगर होती है तो फिर सवाल होता है। और इसीलिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर किस तरह विपक्ष ने रिएक्शन दिया है वो आप जान लीजिए, और फिर शुरू करेंगे गूंज के सवालों के दायरे में इस वक्त कौन आ रहा है और किसकी नीयत आ रही है। बहस हो उससे पहले आप ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ इस निर्देश के सख्ती से पालन करने के बाद सुनिएगा। सरकार क्या कर रही थी, विभाग क्या कर रहा था, सरकार आज जागी है 7 साल बाद, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब सरकार उस पर राजनीति कर रही है, वेरिफिकेशन करा लें ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन नेम प्लेट लगा करके फिर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आपके अधिकारी शोषण करें, अन्याय करें, ये नहीं होना चाहिए ना। और ये केवल नाम मुझे लगाना, ये मुझे लगता है केवल भ्रमित करना, लोगों को भ्रम कर पैदा करना, ये सब इनका काम है। गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, साधारण ठेला खुमचा वाले उनको बेचारों को परेशान किया जाएगा, उनसे जो है पैसे वसूले जाएंगे, उनको प्रताड़ित करके उससे पैसे बांधेंगे, महीना बांधेंगे, ये काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये तो और बुरा हाल है। आज ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार के नए फैसले ला रहे हैं, तो ये केवल पॉलिटिक्स डिवाइड एंड रूल का है, और एक कम्युनिटी को आप विशेष करके टारगेट करना चाहते हैं, उनकी जीविका पर आप हमला करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है।